कि आधार संस्था द्वारा ब्लॉक स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका विषय महिलाओं हेतु सुरक्षित पर्यटन स्थल परियोजना पर आधारित था। इसमें आधार संस्था के संस्थापक ने बताया कि लगभग अभी तक 65 लड़कियों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा जा चुका है। उन्होंने अपने 2 साल के कार्यकाल को प्रोजेक्ट स्क्रीन के माध्यम से समझाया। इस मौके पर SDM राजनगर श्री सिंह और तहसीलदार सतीश वर्मा उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि जो लड़कियां अलग अलग क्षेत्रों में काम करती थीं, उन्हें रोजगार से जोड़ा गया है और उन्हें ट्रेनिंग दिलाई गई है। आगे भी इस तरह का कार्य आधार संस्था करती रहेगी। आज ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यक्ष SDM सर थे, तहसीलदार सर थे और हमारे गाइड एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन के लोग थे, अशोक गौतम, बलबीर गौतम और अनुराग शुक्ला, अविनाश तिवारी जी, और इन्हीं सभी के समक्ष हमने अपने 2 साल का जो कार्य महिलाओं हेतु सुरक्षित पर्यटन परियोजना के तहत जो किया गया है, और काफ़ी बच्चियों को ट्रेनिंग करके प्लेस भी किया गया, उसका डाटा और एक प्रेजेंटेशन तैयार करके प्रस्तुत किया गया, जिसमें बताया गया कि 2 साल में हमने लगभग 65 से लड़कियों को ट्रेनिंग करके और रोजगार स्वरोजगार से जोड़ दिया है। इसके साथ साथ आगे का प्लान किया गया है कि कैसे हम खजुराहो में और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं और लड़कियों को आगे लाएँ, जिसमें हमें हमारे खजुराहो के सभी भाइयों ने सजेस्ट किया है कि एक लाइब्रेरी अच्छी होनी चाहिए, जहाँ बच्चियाँ जाके, महिलाएं जाके पढ़ सके, पर्यटकों को भी आसानी हो सके, लाइब्रेरी का फ़ायदा उठा सके। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बातचीत हुई है कि क्यों ना खजुराहो में, जो कि अभी पायलट ट्रेनिंग चल रही है, उसमें बच्चियों को भी आगे, महिलाओं को भी आगे ला के ट्रेनिंग की जाए। इसके साथ साथ एक बड़ा अहम चीज़ निकला है कि मीडिया पर्सन की ट्रेनिंग करके कुछ पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं को आगे मीडिया के रूप में भी तैयार किया जाए, ताकि वो भी कवरेज कर सकें और मीडिया में आगे आ सकें। आधार संस्था जो है, हमारी जो महिला शक्ति है, आधी आबादी है, और उनको आगे बढ़ाने के लिए, आर्थिक रूप से सक्षम करने के लिए, रोजगार के लिए, सुरक्षा की दृष्टि से बेहतर काम कर रहे हैं। उसका वर्कशॉप था, बहुत अच्छा लगा हमको कि यहाँ कई हमारी जो बेटियाँ हैं वो टूरिस्ट के मामलों में कहीं होटल में रिसेप्शन के रूप में, या टैक्सी ड्राइवर के रूप में, पेट्रोल पंप पे गाइड के रूप में काम कर रही है, और अपने खुद का भी रोज़गार पैदा कर रही है। संस्था द्वारा कई बच्चियों को अपने पैरों पर खड़ा किया गया है, और आगामी समय में भी बेहतर काम करेंगे। प्रशासन संस्था के साथ है, किसी भी प्रकार का नियमों में जो काम हो रहेगा हमेशा तत्पर रहेंगे। धन्यवाद।